सो हेलो नमस्ते सत श्रीकाल वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बैक अपने यूट्यूब चैनल बोले दमचा मैन में। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। शादी का सीज़न चल रहा है तो घर में भी शादी है, ब्रदर की शादी है, तो बहुत सारी शॉपिंग करना बाकी है अभी के कहाँ। शादी कल ही है पर आज शाम तक या कल सुबह तक करेंगे, बाकी हो चुकी है। तो आज 6 तारीख है, कल शादी है, कल बारात जाएगी। पर आज बरुआ है, ब्रजबंध बोलते हैं हिंदी में और अपनी भाषा अपने क्षेत्र की भाषा में हम लोग बरुआ बोलते हैं। तो आज दोनों भाई का है, जिससे बड़े भाई की शादी है और ब्राह्मणों में शादी से पहले बरुआ होता है, बरुआ नहीं हुआ तो फिर शादी नहीं होती, इससे पहले बरुआ किया जाता है इसीलिए। और काफ़ी तैयारी चल रही है, पहल वाली अपने घर स्टार्टिंग किया पाइप, ठीक है, चार पत्ता खाली ले आना, चार मिल जाई तो उनके से मेरे को स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इनके पास जाके कहाँ का मम भिक्षा में देंगे, अब इनसे सब तो थोड़े थोड़े अपने निकाल तोड़ तोड़ के सब को दे दिया। थोड़ा थोड़ा सब आइटम देना है, बोला बिपिन अरे पूरा रख दे, हम पूरा ना रखा मिठाई यार, बिछाम दे मम में बिछाम दे, बोला हो बिछाम दे बिछाम दे। अरे एक ही में मतलब साला लगा रखो, बेचारा मीठा नमकीन की चीज है बट रख खा लेगा क्या इधर भी यार एक घर एक ए भैया खींचे इधर पत्ता ले खा दा। तो बरुआ स्टार्ट हो चुका है यहां पे ब्राह्मण के, और इधर बिपिन देख सकते हैं इधर पहनावा बिपिन का चेहरा, पानी जग्गू जग्गू अनु अरे डिस्पोजल तो ही लगा देना, पानी दे दे यहीं पे पापा कहां है। तो अभी 5 ब्राह्मण खिलाए जा रहे हैं वहां से बैठे हुए हैं, ये मेरे इंक्लूडिंग मी, और ये बिपिन का बरुआ है सोनू। तो अभी बाल का मुंडन होगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब कैंसिल हो गया, नहीं तो मुंडन होता है मेन बरुआ उसी का है, मुंडन का ही है। पर कोई बात नहीं, कल बारात जाना है तो। और इधर अंकित बैठा है कि थोड़ी कम मौका मिले प्रसाद अंकित की, तो हो गया अंकित का ये था कि विपिन भैया करेंगे उसके बाद अपन। पीछे पंडित जी हैं जो पूजा करा रहे हैं, बरुआ करा रहे हैं, हमारे गुरु जी भी हैं मेन। सो अभी अपन लोगों को दक्षिणा मिलने वाली है बारी बारी से दीदी के पास सब कोई बात नहीं। तो अपन को दक्षिणा मिल चुकी है, खाना भी खाओ दक्षिणा भी मिले बेहतर। और मैं ले चलता हूँ जहाँ पे खाना बन रहा है, खाने की तैयारी चल रही है। तो ये देख सकते हैं इधर खाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे सुबह से, और ये मिस्त्री साहब हैं जो कल से आ चुके थे, कल दोपहर से खाना भी एक नंबर बना है। हाँ कल नाश्ता बना था मीठा जो भी है शाम को, और आज खाने का प्रोसेस जा रही है, मतलब रेडी हो गया खाना, रेडी भी हो गया सब रखे, मतलब 75% रेडी है बस ये पूरी उड़ी का पूरी कचौड़ी पापड़ चल रहा है। चलिए देखते हैं। तो अपन यहाँ पे खड़े हैं, मेरे साथ है अभी अंकित शर्मा। तो ब्रो कैसा लग रहा है आज फंक्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना मतलब कितना अच्छा? अरे बहुत अच्छा। तो अंकित भाई हैं और इधर प्रोसेस चल ही रहा है बरुआ का, पूजा पाठ चल रहा है अभी, और यहाँ पे बहुत मेहमान लोग बैठे हुए हैं। सात बार गई है।
भगवा जब होता है तो ढिंकी डालते हैं, मेन रस्म होता है जो होता है यहाँ पे, तो ढिंकी डालने की मेन रस्म होता है। और सबसे पहले मम्मी डालती हैं, फिर उनकी चाची हैं घर की, और बाहर के व्यवहारी जो भी होते हैं सब लेडीज आके ढिंकी डालती हैं, क्योंकि ब्राह्मण को ढिंकी डालना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है एक प्रकार का। तो ये है कैमरा वाले भैया फोटोग्राफर, और एक दूसरी जगह है वहाँ वीडियो वाले कहाँ गए, वीडियो वाले इधर बैठे हुए हैं, बस फोकस है टारगेट उधर ही है। गर्मी है यार, मौसम मतलब धूप तो नहीं है पर गर्मी इतनी ज़्यादा है आज, मतलब बहुत ज़्यादा है। पानी तो गिरेगा नहीं दो दिन, क्योंकि जो जब तक शादी नहीं तब तक पानी गिरेगा नहीं यहाँ पे। हाँ हम बोले क्योंकि अंकित ने बोल दिया, अब पानी गिरेगा तो अंकित को ही बांध के शुभम भाई इधर ही खड़े हैं। अरे ना देखा हुआ यार, पसीना हालत खराब है वहाँ तो, यहाँ तो कहे परफ्यूम निकल रहा है देखा ऊपर। तो अभी इसी वक्त अभी वरुण सफाई कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, जो स्टार्ट ही हो गया है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मंदिर जाएंगे यहाँ से, तो हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंच चुके हैं, ये सामने देख रहे हैं मंदिर है। तो यहाँ पे पूजा होगी थोड़ी, और जो भी प्रोसेस है रिसाने का बरू रिसवाई तो यहीं पे होगा। तो ये लोग गाड़ी से आ चुके थे, ये विपिन सोनू काम फिर दाम ले रहा है ना, हां इनसे खड़ी करिए करूं तरह रहा है। तो ये विपिन हाय उतारने के लिए